डियर स्टूडेंट्स, अब तक के ऑनलाइन वीडियोज में हमने देखा कि ऑपरेशन ऑन लाइक सर्च, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च, सर्च सिमिलर और लाइक सर्च एक्सेट्रा, कंपैरिजन ऑफ सर्च एक्सेट्रा। टुडे वी लर्न बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च, मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक सर्च जो क्या होते हैं, बाइनोमियल मतलब क्या, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, यानी कि टू टर्म्स, बाय मीन्स टू और बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स वाली सर्च। देखिए सबसे पहले हमें रेट्स रिकॉल हमें क्या करना है। देखिए वी नो दैट ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, देन इन रूट ए बी इज इक्वल टू ए सर्ड ए मल्टीप्लाई सर्ड बी, और ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्सपांशन फॉर्मूला ये हमने देखा है। उसके बाद इन रूट ए ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए और इन रूट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो देखिए इन रूट टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में इन रूट एट प्लस इन रूट एटीन। अब देखिए इन रूट टू से हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट में जो दो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स क्या है, सर्ड में है, यानी कि स्क्वेयर रूट में है, तो क्या करेंगे टू मल्टीप्लाई एट, लेकिन वो कहाँ पे लिखेंगे हम, सर्ड में, प्लस इन सर्ड यानी कि इन रूट टू मल्टीप्लाई एटीन, टू एट आर सिक्सटीन प्लस टू एटीन आर थर्टी सिक्स। अब सिक्सटीन का स्क्वायर रूट है फोर, थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट है सिक्स, तो आंसर क्या हुआ, सिक्स प्लस फोर टेन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इन रूट थ्री माइनस इन रूट टू मल्टीप्लाई टू इन रूट थ्री माइनस थ्री इन रूट टू। देखिए अब इस ब्रैकेट में दो टर्म्स है, उस ब्रैकेट में भी दो टर्म्स है, अब इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से हमें इस ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि देखिए इन रूट थ्री से हमें सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन रूट टू से हमें सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, थ्री से मल्टीप्लाई करना है इन रूट थ्री से, अब इन रूट थ्री मल्टीप्लाई टू इन रूट थ्री माइनस इन रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री इन रूट थ्री टू। देखिए आगे माइनस इन रूट टू से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन रूट टू मल्टीप्लाई टू इन रूट थ्री प्लस इन रूट टू मल्टीप्लाई थ्री इन रूट टू। अब देखिए ये जो पेयर है, कौन सी पेयर है, जो इन रूट थ्री मल्टीप्लाई टू इन रूट थ्री है, टू हम साइड में लिखेंगे टू, और इन रूट थ्री मल्टीप्लाई इन रूट थ्री होते हैं ओनली थ्री, टू मल्टीप्लाई थ्री। अब आगे देखिए माइनस इन रूट थ्री, उसी तरीके से हम थ्री साइड में लिखेंगे, थ्री मल्टीप्लाई, अब स्क्वेयर रूट में थ्री है और स्क्वेयर रूट में टू है, उसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थ्री टू जार सिक्स, थ्री इन रूट सिक्स, माइनस टू से हम अगले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री जार सिक्स, टू इन रूट सिक्स, और प्लस देखिए आगे इन रूट टू मल्टीप्लाई इन रूट टू मतलब इन रूट फोर, और फोर का स्क्वेयर रूट है टू, तो थ्री टू जार सिक्स। अब देखिए थ्री टू जार सिक्स, यहाँ पे माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव होते हैं, माइनस फाइव इन रूट सिक्स प्लस थ्री टू जार सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स और सिक्स दोनों हुए ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फाइव इन रूट सिक्स, उसका आंसर इस तरीके से आता है। अब देखिए बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च क्या है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जिसमें क्या होते हैं दो टर्म्स, इन रूट फाइव प्लस इन रूट थ्री फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, थ्री अपॉन फोर प्लस इन रूट फाइव आर द बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। ये क्या है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च है जो कि जिसमें क्या होते हैं दो टर्म्स होते हैं, माइनस फाइव माइनस सॉरी इन रूट फाइव माइनस इन रूट थ्री और थ्री अपॉन फोर माइनस फाइव आर ऑल्सो बाइनोमियल। अब देखिए ये भी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च है और ये भी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च है, ए मतलब कौन सी, ए दोनों भी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च है और ये भी क्या है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च है। अब हम आगे कुछ एग्जांपल देखेंगे, देखिए उसी तरीके से एग्जांपल है, बाइनोमियल सर्च से बाइनोमियल सर्च को मल्टीप्लाई करना है, इन रूट ए मल्टीप्लाई इन रूट ए स्क्वेयर माइनस प्लस
इन रूट बी मल्टीप्लाई माइनस बी, तो क्या हुए माइनस इन रूट बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, इन रूट फाइव प्लस इन रूट थ्री, सेकेंड ब्रैकेट में इन रूट फाइव माइनस इन रूट थ्री इज इक्वल टू इन रूट फाइव स्क्वेयर माइनस इन रूट थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू। देखिए इसी तरीके से क्या करने होते हैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं। अब बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू बाइनोमियल सर, मतलब क्या दो बाइनोमियल सर का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है प्लस सॉरी इन रूट फाइव प्लस इन रूट थ्री एंड इन रूट फाइव माइनस इन रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर हेंस दीज आर कॉन्जुगेट पेयर। ये दोनों क्या है एक दूसरे की कॉन्जुगेट पेयर है। अब कॉन्जुगेट का मतलब होता है हमारे इजी लैंग्वेज में अपोजिट साइड, यानी कि अगर एक पेयर अगर निगेटिव होती है तो उसकी दूसरी पेयर क्या होती है, दूसरी कॉन्जुगेट पेयर होती है पॉजिटिव, और अगर एक पॉजिटिव होती है तो उसकी दूसरी कॉन्जुगेट पेयर होती है निगेटिव। Each binomial sort in the conjugate pair is the rationalizing factor for other. Each binomial sort is the कौन सी भी binomial sort क्या होती है conjugate pair होती है किसकी is the rationalizing factor for other, दूसरे की rationalizing factor होती है। Note that for in root 5 plus in root 3 the conjugate pair of binomial sort, अब in root 5 plus in root 3 की conjugate pair कौन सी हुई इन रूट फाइव माइनस इन रूट थ्री और इन रूट थ्री माइनस फाइव, मतलब ध्यान में रखिए कि अगर एक पॉजिटिव होती है तो दूसरी क्या होती है निगेटिव होती है। सिमिलरली फॉर सेवन प्लस इन रूट थ्री द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सेवन माइनस इन रूट थ्री और माइनस इन रूट थ्री माइनस सेवन, मतलब अगर एक पॉजिटिव होती है तो दूसरी क्या चाहिए हमें निगेटिव चाहिए। जैसे कि और एक एग्जाम्पल देखिए, थ्री अपॉन टू प्लस इन रूट फाइव सेकेंड ब्रैकेट थ्री अपॉन टू माइनस इन रूट फाइव, अब दोनों कॉन्जुगेट पेयर है, एक क्या है पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, तो अब हमें इस ब्रैकेट में जो दो टर्म्स है इनसे हमें सेकेंड ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। थ्री अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस इन रूट फाइव ब्रैकेट स्क्वेयर, थ्री अपॉन टू का स्क्वेयर रूट स्क्वेयर क्या है नाइन अपॉन फोर माइनस इन रूट फाइव मल्टीप्लाई इन रूट फाइव मतलब फाइव, तो फोर फाइव जार ट्वेंटी, देखिए फोर फाइव जार ट्वेंटी मतलब नाइन माइनस ट्वेंटी अपॉन फोर, मतलब नाइन माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस इलेवन अपॉन फोर, उसका क्या होता है आंसर होता है। देखिए अगले पेज पे क्या है, अगले पेज पे है रिमेंबर दिस, ध्यान में रखिए द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ड इज ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर, मतलब जो बाइनोमियल सर्ड हम लेते हैं उसकी जो कॉन्जुगेट पेयर होती है उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है रेशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होता है। अब आगे देखिए रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन जिसे मराठी में बोलते हैं छेदाचे परिमेयीकरण। The product of conjugate binomial sort is always, देखिए जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कौन से भी binomial sort का product conjugate pair हमेशा क्या होती है rational number होती है। By using this property और इसी property के अनुसार the rationalization of the denominator in the form of, मतलब कौन से भी denominator का अगर हम rationalize करते हैं तो कौन से रूप में आता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल सर्ड कैन बी डन, तो उसका आंसर बाइनोमियल सर्ड में ही आता है। देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वन अपॉन इन रूट फाइव माइनस इन रूट थ्री। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो एग्जांपल दिया गया है उसमें जो डिनोमिनेटर में जो एक नंबर है यानी कि जो एक टर्म है इन रूट फाइव माइनस इन रूट थ्री इसकी हम कॉन्जुगेट पेयर लिखेंगे। अब इसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या है, अगर ए निगेटिव आई है तो उसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या होगी पॉजिटिव, मतलब इन रूट फाइव प्लस इन रूट थ्री। अब देखिए वन अपॉन इन रूट फाइव माइनस इन रूट थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन इन रूट फाइव माइनस इन रूट थ्री, अब हमें क्या करना है जो कॉन्जुगेट पेयर है उस कॉन्जुगेट पेयर से
जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट पेयर से। जो डी है वो नहीं, उसकी कॉन्जुगेट पेयर हमने क्या ली है, पॉजिटिव ली है। तो क्या हुई वो, इन रूट फाइव प्लस इन रूट थ्री अपॉन इन रूट फाइव प्लस इन रूट थ्री। देखिए हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, जिसका डिनोमिनेटर क्या है निगेटिव है और उसकी कॉन्जुगेट पेयर से जो कि क्या है पॉजिटिव है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन और साइड में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा, वन से अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन रूट फाइव प्लस इन रूट थ्री अपॉन इन रूट फाइव स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस इन रूट थ्री स्क्वेयर, यानी कि इन रूट फाइव प्लस इन रूट थ्री अपॉन इन रूट फाइव का स्क्वेयर फाइव इन रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री, यानी कि टू, मतलब इन रूट फाइव प्लस इन रूट थ्री अपॉन टू। हमेशा ध्यान में रखिए कि कौन से भी निगेटिव की कॉन्जुगेट पेयर हमेशा पॉजिटिव होती है या पॉजिटिव की कॉन्जुगेट पेयर हमेशा निगेटिव होती है, यानी कि अपोजिट साइन में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एट अपॉन थ्री थर्ड टू प्लस थर्ड फाइव। कॉन्जुगेट पेयर हमें न्यूमर डिनोमिनेटर की क्या है, थ्री थर्ड फाइव माइनस इन रूट फाइव। अब हमें उससे क्या करना है, उस एग्जाम्पल को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, एट मल्टीप्लाई थ्री इन रूट टू माइनस इन रूट फाइव अपॉन थ्री इन रूट टू प्लस इन रूट फाइव मल्टीप्लाई थ्री इन रूट टू माइनस इन रूट फाइव। अब क्या होगा वो, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री इन रूट टू, थ्री इन रूट टू ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं माइनस इन रूट टू इन रूट फाइव स्क्वेयर। देखिए अब एट इन एट मल्टीप्लाई टू, अब एट से हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से दोनों टर्म्स, देखिए इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एट मल्टीप्लाई थ्री इन रूट टू माइनस एट माइनस इन रूट फाइव अपॉन थ्री, थ्री स्क्वेयर इज नाइन, इन रूट टू का स्क्वेयर टू माइनस इन रूट फाइव का स्क्वेयर है फाइव। तो क्या हुआ, एट थ्री जार ट्वेंटी फोर इन रूट टू माइनस एट इन रूट फाइव अपॉन एटीन माइनस फाइव ट्वेंटी फोर इन रूट टू माइनस एट अपॉन फाइव अपॉन थर्टीन इज द राइट आंसर। देखिए हमेशा ध्यान में रखिए कि ये एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कॉन्जुगेट पेयर क्या होती है, कॉन्जुगेट पेयर हम कब यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। मतलब अगर आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है तो आपको वहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर भी यूज करनी होगी, उसके बाद आपको अगर बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड यू एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो वहाँ पे भी आपको कॉन्जुगेट पेयर ही यूज करनी होगी। ओके अगले आपको आज क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करना है। अगले ऑनलाइन वीडियो में हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके।